नमस्कार, मैं बॉबी जयमेनस न्यूज़ लाइव में आप सभी का स्वागत है। आइए देखते हैं आज की बड़ी खबर। मुंबई के भिंडी बाजार में लगी आग, दो की मौत, कई घायल। मुंबई के भिंडी बाजार इलाके में गुरुवार रात एक इमारत में आग लग गई, जिसमें दो लोगों की जान चली गई। मरने वाले में दोनों महिलाएं हैं। इस घटना में 11 अन्य घायल हो गए, जिन्हें उपचार के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया। फिलहाल घटना के कारणों का पता नहीं चल पाया है। यह सुनिश्चित करने के प्रयास किए जा रहे हैं कि आग आखिर किन कारणों से लगी। टीएमसी के मुताबिक घटना स्थल से दो शव बरामद कर लिए गए हैं। आग पर फिलहाल काबू पा लिया गया है। आग दक्षिण मुंबई के बोहरी मोहल्ला स्थित एक इमारत में लगी। आग गुरुवार रात करीब 11 बजे लगी। इसके बाद उसे बुझाने और वहां फंसे लोगों को बाहर निकालने का काम किया गया। घायलों के उपचार के लिए जेजे अस्पताल में भर्ती कराया गया। बीएमसी की आपदा प्रबंधन इकाई के अनुसार आग बुझाने में 4 दमकल वाहनों और इतने ही वाटर टैंकों का इस्तेमाल किया गया। करीब 1 घंटे की मशक्कत के बाद इस पर काबू पाया गया। पीड़ितों का कहना है कि रात करीब 11 बजे के आसपास वे सोने की तैयारी कर रहे थे, जब उन्होंने धुआं महसूस किया। कुछ ही देर में आग ने इमारत को अपनी चपेट में ले लिया। जिस इलाके में आग लगी वहां रमजान के दौरान काफी चहल पहल रहती है। मोदी की प्रचंड जीत के बाद फारूक अब्दुल्ला को भी मिला बल्ले बल्ले का मौका। जम्मू कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री रह चुके फारूक अब्दुल्ला श्रीनगर लोकसभा सीट से 2019 का चुनाव लड़ा। अब्दुल्ला ने इस सीट पर जबरदस्त प्रदर्शन करते हुए जीत हासिल की। उन्होंने अपने सबसे करीबी प्रतिद्वंदी पीडीपी के प्रत्याशी अगा सैयद मोहसिन को 69,847 वोटों से मात दी। फारूक को क्षेत्र में पड़ी कुल वोटों का 57.14% हिस्सा मिला, जबकि मोहसिन को 19.64% वोट हासिल हुए। शानदार जीत के बाद अब्दुल्ला ने अपने सहयोगियों के साथ खुशी जाहिर की और पार्टी दफ्तर के बाहर डांस भी किया। आपको बता दें, नेशनल कॉन्फ्रेंस का राज्य में प्रदर्शन अच्छा रहा और वह घाटी की 3 में से 2 सीटों पर मुकाबला जीत चुकी है, जबकि 1 सीट पर उसको बढ़त मिल रही है। चुनाव आयोग ने जारी किया 542 सीटों के आधिकारिक 303 पर बीजेपी, 52 पर सिमटी कांग्रेस। भारत निर्वाचन आयोग की ओर से शुक्रवार शाम को लोकसभा चुनाव 2019 की सभी 542 सीट के आधिकारिक परिणाम घोषित कर दिए गए हैं। आयोग की वेबसाइट के अनुसार इसमें भाजपा ने 542 में से 303 सीटों पर जीत हासिल कर पूर्ण बहुमत का जादुई आंकड़ा हासिल कर लिया है, जबकि उसके सहयोगियों के सीटों को मिलाकर यह आंकड़ा 352 पर पहुंच गया है। वहीं कांग्रेस 52 सीटों पर सिमट गई तथा कांग्रेस नीत यूपीए को 92 सीटें मिली है। जानकारी के अनुसार केंद्रीय मंत्री किरण रिजिजू की सीट अरुणाचल पश्चिम पर फैसला आने में काफी समय लगा, इस कारण से परिणाम आने में देरी हुई।